हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मिट्टी लौंजी। इसे हम गुड़ से बनाएंगे, इसमें हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे आम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 4 कच्चे आम लिए। आपको जितने भी चाहिए आप उतने लीजिए। और इसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करके पील कर लेंगे। इस रेसिपी में आप कोई भी कच्चा आम ले सकते हैं, किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। बट सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि आम को एक बार टेस्ट कर लेना है। आम अगर ज़्यादा खट्टा है तो हम चीनी या गुड़ जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो आम के छिलके को निकालने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है। मैं थोड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट कर लूँगी। अगर आपको आम की लौंजी को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है, जैसे कि 4-5 महीने या 1 साल के लिए, तो फिर आप आम को कट करके धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा लीजिए, 4-5 घंटे के लिए। तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने आम के पीसेस को कट कर लिया। और जो ये गुठली बचा हुआ है, आप चाहे तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं या फिर मोस्टली लोग फेंक ही देते हैं। तो मैं आम की गुठलियों का भी यूज़ करने वाली हूँ इसी लौंजी में। आम की लौंजी जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बनकर भी बहुत बढ़िया आता है। और ये बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आम के पीसेस को कट कर लिया और गुठलियों को मैंने फेंका नहीं है, इसका यूज़ भी करेंगे। इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है और हमें इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। 2 से 3 चम्मच ऑयल लिए मैंने। और इसमें हमने डाला है 5 फोड़न और हींग। इसको 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 साबुत लाल मिर्च लिए। इसको 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो आम को हमने कट करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। और इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 3-4 मिनट के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे या फिर फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है और 2-3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है मिक्स करते हुए। अब यहाँ पे ऐड करेंगे सॉल्ट। मैं यहाँ पर काला नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों सॉल्ट को हाफ हाफ क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे गुड़। आप नॉर्मल गुड़ जो सॉलिड वाले होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल जेली टाइप का लौंजी बनकर तैयार होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं गुड़ के जगह पर। तो मीठे को आप अपने पसंद के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। 1 मिनट के लिए गुड़ को मिक्स किया है और वो बिल्कुल पानी जैसा मेल्ट हो चुका है। इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, ये गुड़ ही है। और इसको अब हम कवर करके 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम है और हमें तब तक कुक करना है जब तक कि आम थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, 2-3 मिनट में ही आम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसे बनाना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। और ये देखिए, आम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसका कलर देखिए, ये कितना अच्छा कलर आया हुआ है। और क्योंकि हमने गुड़ से बनाया है तो ये खाने में भी हेल्दी है और खाने में टेस्टी तो है ही। आम की लौंजी को आप किसी कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आराम से 10-15 दिन ख़राब नहीं होगा। और इसे आप रोटी या परांठे या राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश आम से बनाया था, कट करके उसी टाइम बनाया था। बट आम को अगर आप 3-4 घंटे धूप में सुखाकर सेम प्रोसेस करके लौंजी बनाओगे तो आप इसको 4-5 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आपने कभी इस प्रोसेस को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।